सो वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है शुगर एंड जैगरी। कैसे जैगरी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है शुगर का। अगर आप डेली लाइफस्टाइल में शुगर को अवॉइड करके जैगरी को कंज्यूम करते हैं तो इट विल गिव यू मोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। सो आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आपको जैगरी से मिल सकते हैं और कैसे शुगर से बेस्ट है अगर आप जैगरी को कंज्यूम करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन मोलेसेस। मोलेसेस बाय प्रोडक्ट एक न्यूट्रिशन होता है, एक स्वीटनर होता है, जहां आपको विटामिन एंड मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके एनीमिया जैसे डिजीज को भी प्रिवेंट करने का काम करता है। यही मोलेसेस न्यूट्रिशन शुगर में रिमूव कर दिया जाता है। जब भी शुगर मेकिंग का प्रोसेस होता है, जो भी उसका प्रोसेस है, उसमें ये मोलेसेस न्यूट्रिशन को रिमूव कर दिया जाता है। और वहीं बात करें तो जैगरी में आपको ये मोलेसेस न्यूट्रिशन आपको मिलता है और ये आपके हेल्थ के लिए और बेनिफिशियल और जैगरी की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं। पॉइंट इज जैगरी इज रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल। कंपैरिजन टू शुगर, जैगरी में आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं। वही शुगर एक एम्प्टी और रिफाइंड होता है और एक एम्प्टी कैलोरी होता है। इसमें ना ही आपको प्रोटीन, फैट, कार्ब, मिनरल्स, विटामिन, किसी भी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आपको इसमें नहीं मिलता है। सो पॉइंट थर्ड, जैगरी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये एनीमिया प्रिवेंशन और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री प्लांट्स में जो भी वर्कर होते हैं उनको जैगरी खाने को दिया जाता है। यही रीज़न होता है कि जैगरी एक बहुत अच्छा लीवर को डिटॉक्सिफाइड करता है। लीवर में मीन्स जो भी डस्ट वगैरह हैं वो सबको रिमूव करता है जैगरी। वही बात करते हैं शुगर की, तो ये काफ़ी सारे डिजीज से अगर आप शुगर का कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो लाइक ये आपके ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, डिमेंशिया, डिप्रेशन और सम ऑफ द कैंसर जैसे डिजीज होने के चांसेस आपको इसमें ज़्यादा होते हैं। पॉइंट फोर इज शुगर आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है और ये आपके इम्यून सिस्टम के सिकनेस और डलनेस और आपकी बॉडी की वर्किंग एबिलिटी को भी कम कर सकता है। वही बात करें तो अपन जैगरी की, जैगरी एक बहुत अच्छा एक इम्यून बूस्टर है क्योंकि ये आपकी बॉडी की अगेंस्ट और आपकी हेल्थ के अगेंस्ट एक शील्ड की तरीके से काम करता है जो कि आपकी कोल्ड, कफ और ऐसे ही कुछ नॉर्मल डिजीजेस से आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, आपको प्रिवेंट करता है। सो पॉइंट नंबर 5, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप एक रिफाइंड शुगर होता है जो कि शुगर में 55% और मोर देन 55% कंटेन होता है। वहीं 42% ग्लूकोज होता है। वहीं इन केस ऑफ जैगरी में देखें तो आपको 72% सक्रोज मिलेगा। इट इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ शुगर एंड लेस देन 10% आइसोलेटेड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको देखने को मिलता है। वहीं लेस देन 5% आपको मिनरल देखने को मिलता है। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट विच इज कंटेन्ड इन शुगर एंड जैगरी। तो अगर आप शुगर कंज्यूम करने का सोच ही रहे हैं तो जैगरी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि जैगरी में कंपैरिजन टू शुगर आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है सो गिव योर लव एंड सपोर्ट।